तो एस वर्सेस हिस मास्टर डैड न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो गाइस इस सीरीज को सपोर्ट करना, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से सीरीज में और इंप्रूव होगा और न्यू न्यू सीरीज आते रहेंगे और न्यू न्यू इसके पार्ट आते रहेंगे। तो वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूँ। तो ऐश फाइनली यूनिवर्स में पहुंच चुका था और उसकी बैटल थी टोबियस के संग, और ऐश देखता है कि टोबियस उससे पहले ही यूनिवर्स में मास्टर रैंक पर है और ऐश अभी अल्ट्रा रैंक में था और टोबियस के साथ बैटल करके वो मास्टर रैंक में जाना चाहता था। तभी हमें एक रैंकिंग बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर होते हैं और टॉप 8 मास्टर ट्रेनर्स भी होते हैं जिनमें से टोबियस भी था। तभी उस रैंकिंग बोर्ड को देखकर ऐश के और जुनून चढ़ जाता है और वो बैटल के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। और हमें पोकेमोन मास्टर दिखाया जाता है और वो पोकेमोन मास्टर पूरे मल्टीवर्स का मास्टर होता है। तभी ऐश हम रूम की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पर बैटल होनी थी, तो ऐश उस रूम में पहुंच जाता है और उसके सामने टोबियस होता है और ऐश उसको देख के हैरान हो जाता है कि टोबियस तुम मेरे से बैटल करोगे। तभी टोबियस कहता है हाँ ऐश, मुझे पता था तुम ज़रूर यूनिवर्स चैम्पियन के बैटल के लिए आओगे और मैं पहले से ही मास्टर रैंक पर हूँ, तुम्हारा रैंक क्या है ऐश? तभी ऐश कहता है मेरा रैंक अभी अल्ट्रा पर है और मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मास्टर रैंक में पहुँच जाऊँगा टोबियस। तभी टोबियस कहता है क्या ऐश मजाक करते हो, मुझे हराना इम्पॉसिबल है, तुम्हें नहीं पता क्या मैंने तुम्हें बहुत बार हरा चुका है और तुमने मेरे सिर्फ 2 पोकेमोन को ही हराया है अभी तक। तभी ऐश कहता है ठीक है, अब मैं बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ तो तुम्हारे लिए बैटल करना मुश्किल पड़ सकती है टोबियस, अच्छे से बैटल करना। तभी उस रूम का रेफरी कहता है तो बैटल को शुरू की जाए और इस बैटल का रूल और टाइम बता दूँ, ये बैटल होगी सिर्फ 2 मिनट की और 2 मिनट में जो भी पोकेमोन हारेगा वो बैटल हार जाएगा और जो भी पोकेमोन ज़्यादा डैमेज खाएगा उसको इस राउंड से निकाला जाएगा और ये 2 मिनट के राउंड में तुम सिर्फ 3 पोकेमोन इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम्हें अपनी एनिमी को जल्द से जल्द हराना पड़ेगा। तभी रेफरी इतना बोल के वो चला जाता है और ऐश और टोबियस अकेले होते हैं रूम में। तभी ऐश अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन चार्जार्ड को चूज़ करता है और टोबियस भी अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन डार्कराय को इस्तेमाल करता है। तभी ऐश कहता है डार्कराय हाँ मैं तुम्हें फिर से हराऊंगा। तभी टोबियस कहता है पिछली बार मेरा डार्कराय थोड़ा डैमेज था ऐश पर, इस बार ये बहुत पावरफुल और फुल पावर में है, अभी तुम इसको हरा नहीं पाओगे। तभी ऐश कहता है देखते हैं, चार्जर्ड फायर ब्लास्ट करो। तभी उधर से टोबियस भी बोलता है डार्कराय बचो और ड्रीम वेट करो। तभी ड्रीमी कॉन्सर्ट लग जाता है चार्जर्ड को और चार्जर्ड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी ऐश के पास टाइम नहीं था इसलिए ऐश चार्जर्ड को चेंज कर देता है और अपने ग्रीन निंजा को निकाल लेता है और ग्रीन निंजा जैसे ही आता है ऐश बोलता है नाइट स्लैश से डार्कराय को हिट कर दो। तभी टोबियस बोलता है फिर से डार्कराय वही सेम अटैक करो। तभी इस बार ग्रीन निंजा को भी वो स्लिप अटैक लग जाता है और ग्रीन निंजा भी सो जाता है, पर ऐश और ग्रीन निंजा का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था इसलिए ऐश ग्रीन निंजा कहकर पुकारता है और वो ग्रीन निंजा उठ जाता है। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को फिर से नाइट स्लैश और कट इस्तेमाल दोनों करने बोलता है। तभी उधर से टोबियस अपने डार्कराय को बचने के लिए कहता है पर नाइट स्लैश सीधा डार्कराय को लग के डार्कराय नीचे गिर जाता है। तभी 1 मिनट खत्म हो चुका था, हाफ टाइम शुरू हो चुका है। तभी रेफरी उस रूम में आ जाता है और दोनों को कहता है कि तुम हाफ टाइम में इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐश को मिलते हैं 20 पॉइंट और तुमको मिलते हैं 50 पॉइंट टोबियस, तुम आगे हो ऐश। तभी ऐश बहुत घबरा जाता है क्योंकि टोबियस उससे 30 पॉइंट से आगे था, अब ऐश को जीतने के लिए और 40 पॉइंट की ज़रूरत थी। तो ऐश नेक्स्ट राउंड के लिए अपने पोकेमोन को तैयार करने लग जाता है। तभी टोबियस कहता है ऐश मुझे पता ही था तुम हारोगे मेरे से। तभी टोबियस को लग रहा था ऐश के पास तो सिर्फ नॉर्मल पोकेमोन हो सकते हैं, वो मुझे हरा नहीं पाएगा, मेरे पास बहुत सारे लेजेंडरी है। पर ऐश सेकेंड राउंड के लिए रेडी हो जाता है और रेफरी फिर से कहता है राउंड शुरू करो। तभी ऐश अपने सुल गालियों को पोकेबॉल से निकालता है और ये देख कर टोबियस डर जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाती है
और दूसरे बैटल में हमें गैरी को भी दिखाया जाता है और गैरी भी पहुंच चुका था मास्टर रैंक में और गैरी एक अनजान बंदे के साथ बैटल कर रहा था और वो अनजान बंदा सच में गैरी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी हमें फिर से सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि पोकेमॉन मास्टर जो थे वो सारे ट्रेनर्स की मैच देख रहे थे अपने कंप्यूटर्स में। तभी इधर सीन चेंज होके ऐश को दिखाया जाता है। ऐश अपने ग्रीन निंजा को इस्तेमाल नहीं कर रहा था और ग्रीन निंजा के बदले उसने सुलगालिया को इस्तेमाल किया था और टोबियस ये देख के डरने लग जाता है क्योंकि टोबियस के पास इतने पावरफुल लेजेंडरी नहीं थे जो कि सुलगालिया को हरा सकते हैं। तभी ऐश कहता है सुलगालियो अपने स्टील बीम से ख़त्म कर दो डार्क राय को। तभी टोबियस बोलता है डार्क राय शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी दोनों का अटैक टकरा जाता है और उस रूम में बहुत बड़ा धमाका होता है और स्मोक की वजह से सारे के सारे कैमरा में धूल जमा हो जाती है और किसी को दिखता नहीं। और तभी रेफरी उस रूम में घुस जाता है और देखने की कोशिश करता है और देखता है कि सुलगाली अभी तक खड़ा था और डार्क राय बहुत ही घायल होकर नीचे गिरा हुआ था। तभी वो रेफरी कहता है ऐश इस बैटल को जीत चुका है और अभी भी 30 मिनट्स है तुम लोगों के पास, तुम बैटल कर सकते हो कंटिन्यू। तभी ऐश बोलता है ठीक है। रेड टोबियस के पास भी पॉइंट अब कम हो रहे थे। तभी टोबियस अपने सबसे पावरफुल रेक्वेजा को निकाल लेता है और ऐश इस बार देख के घबरा जाता है। तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा और नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगी।